हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा सीधा अटैक कर दिया। मुझे लगता है पहली बार संसद में कोई विपक्ष का नेता गंभीर चर्चा पे देश को सदन को असत्य का सहारा लेकर के, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, रक्षा मंत्री ने उनके सारे पोल खोल दिए, लगता है कि यही उनका भूकंप था लोगों में भ्रम फैलाने का, और आज अपने भी कह दिया मैं पप्पू हूँ। तो ये पप्पू ने आज साबित कर दिया कि ये पप्पू भ्रम का भूकंप लाने वाले थे, वो भ्रम का भूकंप उन्होंने लाने की कोशिश की। जी, उन्होंने ये भी कहा दलितों पे, महिलाओं पे, पिछड़ों पे, गरीबों पे अगर कोई मारपीट की घटना होगी तो वो चुप नहीं रहेंगे। मैं कहता हूँ, जब उनको इतिहास का जानकारी नहीं है, इसी दिल्ली के अंदर बहन निर्भया कांड हुआ था, उनके राज में हुआ था, तो मैं उनका जवाब क्या दूं जिनको न इतिहास का जानकारी न विषय का जानकारी। सर, उन्होंने ये भी कहा कि जो है कांग्रेस ने और कांग्रेस को आरएसएस ने ये सिखा दिया कि हिंदुत्व क्या है। राहुल गांधी जी का वक्तव्य आज बचकाना से ज़्यादा कुछ नहीं था, और जैसे किसी चौक चौराहे पर बातें होती है, बिना आधार का उन्होंने आज सारी बातों को गले भी मिल लिए, वो तो आज प्रधानमंत्री। अरे आप, लगता है उनके डायरेक्टर ने बताया होगा कि बेटा उतर के जाना तो गले लग गए। मतलब आपको लगता है कि वो फिल्मी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे? फिल्मी स्क्रिप्ट पे काम, जैसे आए लगा कि कोई पागल आ रहा। जी, आपको लगता है कि फिल्मी स्क्रिप्ट पे काम किया? एकदम फिल्मी स्क्रिप्ट पर काम किया राहुल गांधी ने आज अपने बचकना का दिया। ये थे गिरिराज सिंह, कैमरामैन शकील अहमद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।